या वो समय नहीं रहा कुछ करने का या सरकार से कुछ मांगने का या सरकार से, वो समय पार हो चुका है। अब केवल जो शेष समय है कोशिश होगी कि जनमतों में और बेहतर बेहतर होकर पब्लिक के इश्यूज जो आज चिंतनीय हैं उन्हें रखा जाए। इतने दहाड़ने वाले मंचों पे चढ़ चढ़ के झारखंड के मूल पर बात करने वाले आज कहाँ गए? क्यों कैमरा से वो चुरा रहे हैं? क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं? ना वो नौकरी की सीमा पूरा कर पा रहे हैं, ना झारखंडियों को नौकरी दे पा रहे हैं। दोनों में ही सरकार विफल रहेगी। सर, सामने खनिजों पर राज्य सरकार के टैक्स का आधार जो किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको कैसे देखा? ये मूल्यांकन का विषय है, ये मूल्यांकन का विषय है। विभाग का जवाब आने दो, फिर उसके बाद बात करेंगे। साढ़े चार साल के कार्यकाल में सरकार ने कैसा काम किया, क्या लगता है आपको, कैसा देख पा रहे हैं सर? ये इसको बहुत विस्तार से बताना पड़ेगा। सरकार एक कमिटमेंट के साथ आती है, एक संकल्प के साथ आती है, एक जवाबदेह सरकार जनादेश के साथ आती है। और साढ़े चार साल में जितना नीचे जा सकते थे, जितना आप कहेंगे कि इसकी सीमा आप तय नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कभी भी किसी सरकार को, इतना गैर जवाबदेह सरकार कि अपने बहुमत का भी सम्मान न कर पाए, ऐसा आज तक देखा नहीं। ये हमारे एनडीए के प्रमुख नेताओं के साथ निश्चित रूप से आने वाले चुनाव के संदर्भ में बातचीत चल रही है। ये प्रारंभिक बातचीत है। हम सभी लोग एनडीए और जनता, झारखंड की जनता एनडीए को इस प्रदेश में लाना चाहती है। उसके लिए हमारी कोशिश होगी कि हमारा पहल, हमारा कार्यक्रम, हमारा निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम सभी मिलकर अभी अध्ययन कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में किस रूप से, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े। ये पूरे प्रदेश में है। आप जिस राजधानी में है वहाँ देखिए ना, जिस राजधानी में है वहाँ है। और इसकी डाटा मैं कुछ दिन बाद आपको दूंगा कि किस रूप से इस सरकार के आने के बाद जो आदिवासी सुरक्षा के नाम पर आने वाली ये सरकार, बाकी कमिटमेंट आदिवासी के लिए छोड़ दीजिए कि उनकी जमीन तक नहीं बचा पा रही है, और नहीं बचा पाई उसका आपका डाटा भी हम लोग देंगे कि इस 5 साल की अवधि में कितना जमीन यहाँ के ट्राइबल का लुटा गया। ये होंगे, ये झूठे आश्वासन पर इन लोगों ने उनसे अपना समर्थन लिया था। उस समय जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे सभी से इनका झूठा आश्वासन रहा है। ये एक भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। जितने भी है आज दुखी है, निराश है, और कहीं ना कहीं निराश होकर सड़क पर इसी सरकार के जाते जाते अपना हक मांग रहे हैं। मुख्य मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा युवाओं का है। आपको भी पता है ये सरकार कई वादों के साथ आई थी। और दूसरा, झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का। और दोनों ही मुद्दों पर सरकार पूर्णतः विफल दिख रही है। मुझे याद है कि जब ये सरकार आई थी तो कई घोषणाओं के साथ आई थी, 5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, हर को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, स्थानीय नीति बना देंगे, नियोजन नीति बना देंगे, कदाचार मुक्त आज एग्जाम लेंगे। लेकिन आज सारे के सारे युवाओं के मुद्दों पर ये सरकार विफल दिख रही है। हालिया दिनों में कैबिनेट को ये इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था 40,000 नियुक्तियाँ डालने का सितंबर माह में, लेकिन आज तक इस पर कोई प्रक्रिया चालू नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने का काम कर रही है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जो नगर विकास की तरफ से नियुक्तियाँ हुई है, इसको आप आधार मानकर देखेंगे तो इसमें 60% से ज़्यादा बाहरी लोगों का समावेश हो गया है। ये सरकार में हो रहा है जिस सरकार ने कहा था कि हम खतियानियों को यहाँ पर प्राथमिकता देंगे, यहाँ के मूलवासी को प्राथमिकता देंगे। एक एक करके अगर आप गृह जिले सबका लेंगे तो कोई गया बिहार से है, कोई नई दिल्ली से है, कोई भोपाल से है, कोई दुर्गापुर से है, कोई ग्वालियर से है, कोई सिवान से है, कोई गाज़ियाबाद से है, कोई असम से है, कोई हैदराबाद से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई सोनीपत से है, कोई नोएडा से है, कोई पटना से है, कोई सोनीपत से है, बिहार से है, पश्चिम दिल्ली से है, पटना से है, यानी कि सारे के सारे लोगों के लिए ओपन डोर खोल दिया गया है ये झारखंड सरकार में। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात इसलिए है क्योंकि यही स्थानीय की आधार पर ये सरकार सत्ता में आई थी, यही खतियान के आधार पर ये सरकार सत्ता में आई थी। आज ना नियोजन नीति बना, ना स्थानीय नीति बना, और उलट इसके सरकार एक भी सरकारी नौकरी देने में विफल रही है। हालिया दिनों में आपने देखा कि PGT के एग्ज़ाम में घोटाले हुए, JEE के एग्ज़ाम में घोटाले हुए, यहाँ पर
जो है सारे के सारे जितने भी एग्जाम जेपीएससी के माध्यम से या जेएसएससी के माध्यम से हुए सारे के सारे एग्जाम्स में घोटाले किए। सरकार ने सारे सीटों को बेचा और सरकार ने बाहरी लोगों को सीट बेचकर यहां पर खतियानी लोगों के साथ धोखा दिया है। साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठी है, आज की डेट में एक पर्टिनेंट सवाल है। सवाल आज की डेट में लैंड जिहाद का है, लव जिहाद का है, वोट जिहाद का है। और जिस प्रकार से लैंड जिहाद, लव जिहाद और वोट जिहाद हो रहा है, उससे हिंदू समाज यहां पर सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। हालिया दिनों में आपने देखा कि पाखुड़ का मुद्दा आया, जहाँ पर गोपीनाथपुर में बंगाल से वहाँ पर गए लोग घुसपैठिए जाकर मार के आते हैं और बंगाल सरकार और झारखंड सरकार कोई काम नहीं करती है। वहाँ के पंचायत समितियों मुखिया हो जिस प्रकार से आदिवासी महिलाओं युवतियों के साथ अल्पसंख्यक शादी करते हैं और उसके बाद वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में अपनी घुसपैठ देते हैं, तो इसको घुसपैठ ही कहा जा सकता है, लव जिहादी कहा जा सकता है, लैंड जिहादी कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आदिवासी जनसंख्या जो है ये 34 से जो 25 हो गई, 10% की गिरावट आई। सरकार ने क्या कमेटी बनाई, सरकार ने इन 10% की गिरावट के लिए क्या किया, ये सरकार को जवाब देना और इन सारे मुद्दों को लेकर सदन के हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे।